आज के एपिसोड में अनुपमा पाखी परितोष और समर से वादा करती है कि वे अपना और एक दूसरे का भी ख्याल रखेंगे। वह उन्हें एक दूसरे के बारे में अपडेट रखने के लिए कहती है। समर, पाखी और परितोष अनुपमा से अनुज के साथ अपने नए घर की देखभाल करने के लिए कहते हैं और वे बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। अनुपमा यह सोचकर भावुक हो जाती है कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पाखी परितोष अनुपमा से आगामी पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। वे अनुपमा को एक ग्रुप हग देते हैं। अनुपमा और अनुज अपने बड़े दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉली मीनू अनुपमा की तारीफ करती है। जीके और देविका अनुज को बधाई देते हैं। जीके कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन कभी आएगा। अनुज और अनुपमा अपने अतीत को याद करते हैं। काव्या वनराज को तैयार होने और अनुपमा की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। वह अनुपमा को एक अच्छी विदाई देने के लिए वनराज को मनाने की कोशिश करती है क्योंकि अनुपमा हमेशा उनके लिए रही है। पाखी परितोष समर और अन्य लोग अनुज का इंतजार करते हैं। बारात का स्वागत करने के लिए शाह उत्साहित है। हसमुख कहते हैं कि अगर लीला यहाँ होती तो खुशी दोगुनी होती। काव्या कहती है कि वह वनराज के लिए भी यही चाहती है। समर का कहना है कि अगर वे यहाँ नहीं है तो ठीक है। परितोष कहते हैं कि वे अनुपमा के लिए काफी है। अनुज देविका और जीके के साथ नाचते हैं और शाह के घर बारात लाते हैं। शाह देविका जीके और अनुज का स्वागत करते हैं। राखी कांता से पूछती है कि क्या वह अनुज का स्वागत करेगी। कांता कहते हैं तो कौन करेगा। राखी ताना मारती है कि लीला अनुज का स्वागत करती तो बहुत अच्छा होता। कांता का कहना है कि अगर लीला आती तो उसे खुशी होती लेकिन उसकी अनुपस्थिति में वह रस्में पूरा करेगी। लीला अनुपमा और अनुज की शादी में शामिल होती है। अनुज लीला से कहता है कि वह जानता था कि बाद में वह निश्चित रूप से उसे आशीर्वाद देगा। अनुपमा बेचैन हो उठती है। वनराज अनुपमा को दूर से देखते हैं। अनुज अनुपमा का इंतजार करता है। वह अनुपमा को देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। किंजल अनुज को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि वह आज अनुपमा को देखकर बेहोश हो जाएगा। शाह ने अनुज को चिढ़ाया। अनुपमा आती है और हर कोई उसे देखकर मुग्ध हो जाता है। परितोष और समर ने अनुपमा का स्वागत करने के लिए उनके पैरों के नीचे हाथ रखा। अनुपमा प्यार को देखकर भावुक हो जाती है। वनराज दूर से सब कुछ देखते हैं। अनुज और अनुपमा एक आंख बंद करते हैं। अनुपमा ने अनुज द्वारा दी गई पायल की घंटियों से अनुज को चौंका दिया। वो डांस करती है। यहीं पर एपिसोड पूरा हो जाता है। कल के एपिसोड में देखेंगे कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं।